हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मिशन क्लासेस की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत मित्रों हूँ। आप सभी को शैक्षणिक प्रबंधन के आज एक नए टॉपिक के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, मैंने आपको कहा था दोस्तों, शिक्षा से संबंधित जो है अपने सिलेबस में 7 संस्थान हैं, एजुकेशन से संबंधित 7 संस्थानों के बारे में बात करेंगे अपन। सबसे पहले मैंने राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के बारे में आपको बता दिया, SIRT के बारे में बता दिया, डाइट के बारे में बता दिया, क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान के बारे में बता दिया, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय CET के बारे में बता दिया और उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान के बारे में बता दिया। यानी दोस्तों, 6 संस्थानों के बारे में आपको जानकारी दे चुका। कौन कौन संस्थानों के बात की अपन ने? अपन बात की राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के बारे में बात की, अपन ने बात की SIRT के बारे में बात की, इसके मैं वीडियोज़ के माध्यम से आपको सब पहुँचा चुका। डाइट के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी, RI के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी, CET के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी और उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान के बारे में आपको सारी जानकारी दे चुका। तो इन 6 संस्थानों के बारे में मैं बता चुका दोस्तों। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान राज्य शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण जो संस्थान है उसके बारे में, सॉरी राज्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के बारे में, डाइट के बारे में, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय और उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों के बारे में आपको जानकारी दे चुका। आज का टॉपिक जो रहेगा दोस्तों, वो रहेगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में। क्लियर मित्रों? तो आज का टॉपिक आप नोट कर लेना, आज का टॉपिक जो रहेगा वो टॉपिक रहेगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या है, ये क्या कार्य करता है, इसकी संरचना कैसी है, इसके नया अमेंडमेंट क्या हुआ, नए अमेंडमेंट को लेकर बताऊंगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर भी किया करो दोस्तों और कमेंट्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो पूछा करो। क्लियर मित्रों? आगे जैसा कि मैं आपको दोस्तों कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, मैं आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों। मैं अभी मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक अभी क्लास रहती, सुबह 7 से लेकर आज क्लास थी मेरी लगभग दोस्तों 7:30 बजे तक कंटिन्यू क्लास थी। फिर मेरे पास टाइम रहा 7:30 के बाद 8 से लेकर मैंने ये वीडियो बनाया और उसको आपको प्रोवाइड कराऊँ। आज अपन बात करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या है। दोस्तों, इसका इंट्रोडक्शन की मैं बात करूँ, एक एक पॉइंट नोट करना, मैं जो जो पॉइंट आपको बताते जा रहा हूँ उसकी बात करना। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि 23 सितंबर, दोस्तों 23 सितंबर 1952 की अगर बात करूं दोस्तों, 23 सितंबर 1952 में एक आयोग बना था, उस आयोग का नाम था मुदालियर आयोग, उस आयोग का नाम था मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग जो बना था दोस्तों, वो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में बना था और इस आयोग के द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, माध्यमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन की सिफारिश की। इसीलिए दोस्तों, मुदालियर आयोग को अपन बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसको क्या बोला जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों माध्यमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का जो कार्य था वो किसका था? मुदालियर आयोग था। तो मुदालियर आयोग कब बना था दोस्तों? 23 सितंबर 1952 में। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में, इसीलिए इसको मुदालियर आयोग कहा गया। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सुझाव दिया था और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गठन जो की, इस गठन की जो मांग की थी वो मुदालियर आयोग ने की थी। दोस्तों, यहां पर मैं बताना चाहूंगा आपको, इसी आयोग की सिफारिश पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो गठन हुआ था दोस्तों, गठन हुआ था आपका 7 अगस्त, दोस्तों 7 अगस्त 1957 में, 7 अगस्त 1957 दोस्तों, यानी 7 अगस्त 1957 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन कब हुआ? 7 अगस्त 1957 में हुआ। कौन से आयोग की सिफारिश पर हुआ? मुदालियर आयोग की सिफारिश हुआ। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना कार्य प्रारंभ कब किया दोस्तों? इसने अपना कार्य प्रारंभ किया 4 दिसंबर 1957 से। कब से प्रारंभ किया? 4 दिसंबर 1957 से। क्लियर मित्रों? मैं को कुछ पॉइंट्स के माध्यम से बताना चाहूँगा। देखो दोस्तों, ये आपका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अपने कॉपी में नोट कर लेना, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये आपका टॉपिक जो आज है इसके बारे में आज अपन चर्चा कर रहे हैं और एक एक बिंदुओं को अपन देखने वाले। ओके दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना, इसका गठन, तो दोस्तों गठन तो हुआ है आपका 7 अगस्त 1957। क्लियर? नोट कर लिया सब लोगों ने?
कार्य प्रारंभ, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया, तो दोस्तों इसने कार्य प्रारंभ किया था 4 दिसंबर 1957 से। कब से प्रारंभ किया? 4 दिसंबर 1957 से। दोस्तों इसके मुख्यालय की मैं बात करूं तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय जो था दोस्तों प्रारंभ में, जब इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी 1957 में, तब इसका मुख्यालय दोस्तों जयपुर में था। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर था? जयपुर में था। लेकिन उसके बाद मैं आपको क्लियर कर दूँ, 1961 से इसका मुख्यालय कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? अजमेर में ट्रांसफर कर दिया गया। कहाँ ट्रांसफर कर दिया? अजमेर में। किस समिति की सिफारिश पर? पी सत्यनारायण, दोस्तों पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय को अजमेर में ट्रांसफर कर दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ था दोस्तों, तो स्टार्टिंग में कहाँ पर था? जयपुर में था। कब ट्रांसफर हुआ? 1961 में। कहाँ पर ट्रांसफर हुआ? अजमेर में। किस समिति की सिफारिश पर? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। गठन कब हुआ? 7 अगस्त 1961 में। कार्य कब प्रारंभ किया? 4 दिसंबर 1957 में। अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ? मुदालियर आयोग की सिफारिश पर। ओके दोस्तों, सारी बातें क्लियर हो गई। क्या क्या बताया मैंने? अच्छा, क्यों किया गया? माध्यमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? माध्यमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। किसने सिफारिश की? मुदालियर आयोग ने। मुदालियर आयोग को किस नाम से जाना जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। मुदालियर आयोग कब बना? 23 सितंबर 1952 में बना, ठीक है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन कब हुआ? 7 अगस्त 1957 में हुआ। कार्य कब से प्रारंभ किया? 4 दिसंबर 1957 से। मुख्यालय कहां पर था? जयपुर में। 1961 से मुख्यालय कहां ट्रांसफर किया? अजमेर में। किस समिति की सिफारिश पर? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। क्लियर मित्रों? आगे फिर मैं बात करता हूँ दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है राजस्थान, इसके अधिनियम दोस्तों, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है दोस्तों, इसके दो अधिनियम है। एक है माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957, इसके लिए कानून बना हुआ है। और एक दोस्तों बना हुआ है सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, सार्वजनिक परीक्षा निषेध अधिनियम जो है दोस्तों 1952। यानी अगर आपको नकल करते पाए जाए, तो नकल के संबंध में कोई मामला आता है, तो नकल निवारण के संबंध में कौन सा अधिनियम है? 1952 है। और माध्यमिक शिक्षा अधिनियम कौन सा दोस्तों? 1957 है। इन दो अधिनियमों के तहत ये संस्था कार्य करती है। अर्थात दोस्तों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो दो कानूनों के तहत काम करती है, एक माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 और एक है दोस्तों आपका दूसरा अधिनियम है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के तहत और एक 1957 के तहत ये संस्था कार्य करती है। क्लियर दोस्तों? बात करेंगे दोस्तों संरचना। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संरचना में कितने मेंबर होते हैं दोस्तों, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संरचना में अगर बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं बताऊँगा बिफोर, अगर आपसे मैं पूछूँ दोस्तों बिफोर अक्टूबर 2018, अगर अक्टूबर 2018 से पहले की बात करूं दोस्तों, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में टोटल 36 मेंबर होते थे और एक सचिव होता था दोस्तों, 36 मेंबर और एक सचिव होता था। क्लियर? लेकिन दोस्तों आफ्टर, अगर आफ्टर में बात करूं, आफ्टर अक्टूबर 2018 से दोस्तों इसमें 36 मेंबर तो पहले थे और 5 मेंबर और मनोनीत किए जाएंगे। ये 5 मेंबर कौन मनोनीत करेगा दोस्तों? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में वर्तमान में कितने मेंबर होंगे? 41। कुछ दोस्तों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में टोटल 41 मेंबर होते हैं, क्योंकि सचिव को दोस्तों सदस्य नहीं माना जाता। सचिव को सदस्य इसलिए नहीं माना जाता दोस्तों, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में सचिव के द्वारा कोई वोटिंग नहीं की जाती, सचिव को वोट देने का अधिकार नहीं होता। जब सचिव को वोट देने का अधिकार नहीं होता दोस्तों, इसलिए सचिव को मेंबर नहीं माना जाता। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान में राजस्थान
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में टोटल कितने मेंबर है? 41 मेंबर है। ये 5 सदस्य जो नए आए ये कौन लाएगा दोस्तों? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे दोस्तों। किसके द्वारा मनोनीत करेंगे? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अब दोस्तों संरचना में आपको 3 बातें बता दूं कि आपको बताया दोस्तों कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में टोटल 41 मेंबर होते हैं, इनमें से दोस्तों एक होगा अध्यक्ष। दोस्तों एक कौन होगा? अध्यक्ष। ओके, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो कौन मनोनीत करता है? राज्य सरकार। अध्यक्ष जो होता है वो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है दोस्तों। राज्य सरकार द्वारा क्या होता है? मनोनीत होता है। और एक दोस्तों आईएएस अधिकारी के समकक्ष होता है दोस्तों। किसके समकक्ष होता है? आईएएस के समकक्ष होता है, यानी उसके बराबर इसको दर्जा मिलता है। ओके, और दूसरी बात दोस्तों, इसका कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष के लिए मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त होता है या मनोनीत होता है दोस्तों? तो ये नियुक्त नहीं होता दोस्तों, कौन होता है? मनोनीत होता है। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। किसके समकक्ष होता है? आईएएस के समकक्ष होता है। और वर्तमान है दोस्तों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? नत्मल डिडेल जो है वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। अच्छा, इसका कार्य क्या होगा दोस्तों? इसका कार्य, अध्यक्ष का कार्य होगा सभाओं की अध्यक्षता करना दोस्तों। क्या होगा? सभाओं की अध्यक्षता करना, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो जितनी भी सभा होगी उनकी अध्यक्षता जो है दोस्तों वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा की जाएगी। रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष होता है वो राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत होता है, आईएएस अधिकारी के समकक्ष होता है, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, और दोस्तों वर्तमान में कौन है? नत्मल डिडेल। अध्यक्ष का काम क्या होगा दोस्तों? अध्यक्ष का काम होगा बोर्ड की जो मीटिंग होती है दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड साल में 2 बार मीटिंग करता है, इन 2 बार की जो सभा होती है उन सभाओं की अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। तो अध्यक्ष का काम होगा दोस्तों बोर्ड की सभाओं की अध्यक्षता करना, यानी बोर्ड के द्वारा जो भी मीटिंग की जाएगी उस मीटिंग की अध्यक्षता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। क्लियर सभी को? आगे फिर मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि दोस्तों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक होता है उपाध्यक्ष दोस्तों, और उपाध्यक्ष ना तो नियुक्त होता है ना दोस्तों मनोनीत होता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो उपाध्यक्ष होता है दोस्तों वो एक पदेन सदस्य होता है दोस्तों। कौन होता है? पदेन सदस्य होता है, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद दोस्तों एक पदेन सदस्य होता है दोस्तों। और पदेन सदस्य जो होता है ये होता है आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा विभाग का निदेशक होता है। क्लियर दोस्तों? मैंने क्या बताया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक पद उपाध्यक्ष का होता है, और उपाध्यक्ष जो होता है दोस्तों वो माध्यमिक शिक्षा विभाग का क्या होता है? एक पदेन निदेश, माध्यमिक शिक्षा विभाग का निदेशक होता है। अर्थात ना तो ये नियुक्त होता है ना ये मनोनीत होता है, ये एक पदेन सदस्य होता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग का जो डायरेक्टर होता है वो डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का उपाध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, अध्यक्ष मनोनीत होता है, उपाध्यक्ष पदेन होता है। क्लियर सभी को? फिर दोस्तों इसमें एक बात और क्लियर कर दो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक सचिव होता है दोस्तों। सचिव जो होता है वो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त होता है दोस्तों। किसके द्वारा नियुक्त होता है? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है दोस्तों। राज्य सरकार द्वारा क्या होता है? नियुक्त होता है, यानी सचिव को राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और दोस्तों ये आरएस अधिकारी के समकक्ष होता है। किसके? आरएस अधिकारी के क्या होता है? समकक्ष होता है दोस्तों, आरएस अधिकारी के समकक्ष माना जाता है। और इसका कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 3 वर्ष का होता है। और दोस्तों अभी वर्तमान में सचिव कौन है? मेघना चौधरी। कौन है? मेघना चौधरी जो है दोस्तों वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्या है? सचिव है। सचिव का काम क्या होगा दोस्तों? सचिव का कार्य होता है बोर्ड सभाओं को व्यवस्थित करना, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स होगी उन बोर्ड मीटिंग्स का आयोजन करना, उनके एजेंडा तैयार करना, उनका कोरम की व्यवस्था करना, मीटिंग में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, ये सारा कार्य किसका होगा? सचिव का होगा। लेकिन दोस्तों सचिव का कार्य होगा, लेकिन सचिव जो होता है वो बोर्ड की मीटिंग में वोटिंग नहीं कर सकता, वोटिंग करने का अधिकार सचिव का नहीं होगा। अध्यक्ष मनोनीत होता है, उपाध्यक्ष पदेन होता है, सचिव नियुक्त होता है, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष का काम बोर्ड सभाओं की अध्यक्षता करना, उपाध्यक्ष का काम अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड की सभाओं की अध्यक्षता करना, सचिव का काम बोर्ड की सभाओं को आयोजित करवाना। क्लियर दोस्तों? अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो होता है मित्रों वो साल में कम से कम 2 सभाओं का आयोजन करता है। कितनी सभाओं का? 2 सभाओं का आयोजन करता है। सभाओं के लिए कोरम की बात करो दोस्तों तो कोरम होगा 1/3। कोरम 1/3 होना अनिवार्य होता है दोस्तों। कोरम 1/3 होना क्या होता है? अनिवार्य होता है। क्लियर?
तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परिचय क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका कार्य प्रारंभ कब किया, अधिनियम क्या है, इसकी संरचना, दोस्तों संरचना में तीन ही लोगों के नाम ध्यान रखने, एक अध्यक्ष का, एक उपाध्यक्ष का, एक सचिव का, और पांच जो नए मेंबर अभी आए वो किसके द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। दोस्तों ये आपको याद रखना, कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 3 वर्ष का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करता हूँ दोस्तों कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्य, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्य। तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यों की मैं बात करूं तो कार्य आप अपनी कॉपी में नोट करते जाना दोस्तों कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्या क्या कार्य होते हैं। कार्य नंबर एक दोस्तों, एक तो माध्यमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, नोट करना, माध्यमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। कार्य नंबर दो, कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड सभाओं का आयोजन करना, बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करना, 8वीं 10वीं और 12वीं की बोर्ड जो होती है, बोर्ड परीक्षा होती है, उनको आयोजित करना। राज्य में स्थापित होने वाले विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, ओके दोस्तों। इसके साथ कक्षा 9 से लेकर 12 तक का पाठ्यक्रम तैयार करना, दोस्तों कक्षा 9 से लेकर 12 तक का पाठ्यक्रम तैयार करना, ये भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का होता है, ओके। पहला कार्य क्या बताया, माध्यमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं को आयोजित करना, ठीक है। 9 से लेकर 12 तक का सिलेबस तैयार करना, स्कूलों को मान्यता प्रदान करना, राज्य स्तर की पात्रता परीक्षाओं का आयोजन करना, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षाओं का आयोजन करना। इसके अलावा दोस्तों इसका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है कि बोर्ड के द्वारा जो होते हैं दोस्तों एक जर्नल पत्रिका जारी की जाती है, यानी त्रैमासिक एक जर्नल पत्रिका जारी की जाती है जिसमें बोर्ड के सभी कार्यों के बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों बोर्ड जो होता है वो चार प्रकार की मैगजीन जारी करता है, जिसमें एक गार्गी, दृष्टि, प्राइम और एक दोस्तों एक तो एक हो गया गार्गी, दृष्टि, प्राइम, दोस्तों गार्गी है, दृष्टि है, प्राइम है और इसके अलावा दिशा है दोस्तों। गार्गी दो मतलब दोस्तों कि बोर्ड के द्वारा 4 रोजगार, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के द्वारा 4 रोजगार दृष्टि है, जिसमें एक आगे दोस्तों गार्गी ये एक मैगजीन जारी करता है, दृष्टि ये भी एक मैगजीन जारी करता है, प्राइम ये भी एक मैगजीन और एक आ जाएगा दोस्तों गार्गी आ गई, दृष्टि आ गई, प्राइम आ गई, इसके अलावा एक मैगजीन और होती है दोस्तों दिशा नाम की जो होती है वो भी जारी करता है। तो 4 प्रकार की मार्गदर्शिकाओं को जारी करने का काम भी किसका होता है दोस्तों, बोर्ड का होता है। तो मित्रों मैंने क्या बताया कि इस राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षाओं का आयोजित करना, समय समय पर टीचर्स के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना, विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना, विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए विद्यार्थी केंद्रों की स्थापना करना, ऐसे कई कार्य दोस्तों बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं, कई इंपॉर्टेंट कार्य बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या क्या याद रखना है, बोर्ड का परिचय जिसके लिए मुदालियर आयोग का नाम ध्यान रखना है, बोर्ड का गठन 7 अगस्त 1957 से, कार्य प्रारंभ 4 दिसंबर 1957 से, मुख्यालय पहले जयपुर में था, अब कहाँ पर है, अजमेर में। इसकी संरचना में दोस्तों पहले 36 मेंबर होते थे, अब 41 मेंबर होंगे, अगर सचिव को भी शामिल कर ले तो कितने होंगे, 42 होंगे। अध्यक्ष जो होता है वो राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत होता है, आईएएस अधिकारी के समकक्ष होता है, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, बोर्ड की सभाओं की अध्यक्षता करता है। उपाध्यक्ष एक पदेन सदस्य होता है जो माध्यमिक शिक्षा विभाग का डायरेक्टर होता है देश के लिए दोस्तों। इसके साथ साथ सचिव जो होता है वो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त होता है, 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, और आरएस अधिकारी के समकक्ष होता है जिसको बोर्ड की सभाओं में बोलने का अधिकार होता है, बैठने का अधिकार होता है दोस्तों, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता। अध्यक्ष का काम होता है बोर्ड की सभाओं की अध्यक्षता करना, उपाध्यक्ष का काम होता है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड की सभाओं की अध्यक्षता करना, और सचिव का काम होता है दोस्तों बोर्ड की सभाओं के बारे में क्या करना, एजेंडा तैयार करना या बोर्ड सभाओं को आयोजित कराने का काम करना। बोर्ड के काम क्या क्या होता है दोस्तों, एक तो होता है माध्यमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार को परामर्श देना दोस्तों, कक्षा 9 से लेकर 12 तक का सिलेबस तैयार करना, विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने हेतु लाइसेंस जारी करना, साथ साथ 10वीं 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करवाना, साथ ही साथ दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा ये आयोजित कराना, समय समय पर रोजगार से संबंधित पत्रिकाओं को जारी करना, रोजगार से संबंधित 4 पत्रिका जारी करता है, कौन सी, गार्गी, दृष्टि, प्राइम और दिशा, और विद्यार्थियों के लिए दोस्तों विद्यार्थी सेवा केंद्रों का गठन करना, ये सारे कार्य बोर्ड के
होते हैं दोस्तों। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, मैंने आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी, कुछ मैं दोस्तों पहले वीडियो के माध्यम से बता दिया। मैं डेली दोस्तों आपको 20 से 25 मिनट के वीडियो के माध्यम से एजुकेशन मैनेजमेंट से संबंधित जो भी फैक्ट्स होंगे, जो भी बातें होगी, वो आपको मैं बताता रहूंगा दोस्तों। आज अपने बात की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सब बातें मैंने आपको बता दी। इसके बाद भी अगर आपको किसी विद्यार्थी को मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है दोस्तों, तो अपने कमेंट्स में डालिए, मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा। जहां पर भी लगेगा कि आपको कोई चीज पूछनी है दोस्तों, तो आपको मेरे द्वारा वो जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। किसी भी विद्यार्थी को अगर मेरे को कहीं पर पर्सनल कोई बात पूछनी है दोस्तों, तो अगर पर्सनल कोई बात पूछनी रहेगी तो आपको मैं बता चुका जो इकोनॉमिक अपडेट का पेज है दोस्तों, एक फेसबुक पेज इकोनॉमिक अपडेट्स के नाम से जो फेसबुक पेज है दोस्तों, उसको आप लाइक कीजिए। वहां पर आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट बात पूछनी है जो आप लोगों ने पढ़ रखी है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही, वहां पर आप मैसेज डाल दीजिए, मैं मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। अर्थात दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित जो भी जानकारी अगर आपको चाहिए वो आपको और प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा मेरे द्वारा आपको जो समरी के तौर में जो जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको दोस्तों सारे के सारे टॉपिक और नए सिरे से और तरीके से बताता रहूंगा, जब तक एग्जाम चलता रहेगा तब तक अपन इसको डिस्कस करते रहेंगे। डेली 15 से 20 मिनट आपको एजुकेशन मैनेज को पढ़ कर रहना है दोस्तों, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बस आप लोगों को दोस्तों 20 मिनट कम से कम एजुकेशन मैनेजमेंट को देना है, और जल्दी ही करंट अफेयर्स की क्लास भी आयोजित करने वाले हैं दोस्तों। अर्थात कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों, 15 क्वेश्चन एजुकेशन मैनेजमेंट के, 10 क्वेश्चन आपके दोस्तों करंट अफेयर्स के, और 4 क्वेश्चन आपके स्टेटिक्स के। ये तो आपके मिलने ही चाहिए दोस्तों, कम से कम 29 क्वेश्चन आपके एग्जाम में राइट होने चाहिए। यही मेरा टारगेट है और यही मेरा लक्ष्य है, और इसके लिए आपको डेली 20 से 25 मिनट मेरे को टाइम देते रहना है, और जो भी चीज़ पूछनी है वो आप पूछते रहना दोस्तों। आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। वैसे आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है, मेरे और भी पुराने वीडियो है वो आपने देखे होंगे, सारी चीज़ आपने देख ली होगी। उन वीडियो के अलावा का कोई नया कोई कंटेंट है, नई कोई बात है, वो मैं इन वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा दोस्तों। पुराने वीडियोज़ और नए वीडियोज़ में केवल इतना सा फर्क रहेगा, जो नई बात है, जैसे मान लो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अमेंडमेंट क्या हुआ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पहले 36 मेंबर होते थे लेकिन अब 41 मेंबर होंगे, मतलब 5 मेंबर नए आ गए। कौन लाएंगे? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम रहती है, कमेंट्स में मैसेज डालिए, मैं मैसेज का रिप्लाई करूंगा। अर्थात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में आपको पूरी जानकारी और उपलब्ध करा दी जाएगी। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ सारा टॉपिक क्लियर। तो आज के लिए दोस्तों विदा लेता हूँ, और कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने वापस आ जाऊँगा। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे तो आरटी एक्ट के बारे में बताओ। जरूर दोस्तों, मैं आरटी एक्ट 2009 के बारे में भी आपको बता दूंगा। इससे पहले मैं आपको कल बातें करूंगा दोस्तों कस्तूरबा गांधी आवास, कल का टॉपिक रहेगा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के बारे में, कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय क्या होते हैं, क्या कार्य करते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।